हेलो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पार्ट छः दादी जी। पार्ट छः दादी जी मतलब कि आपके घर में भी आपकी दादी जी है ना। सब बताएं मुझे कि आपके घर में भी दादी जी है तो दादी जी कैसी होती है। सब बताएंगे मुझे, एक एक करके सब बताइए। वेरी गुड। दादी जी कैसी होती है? दादी जी बहुत अच्छी होती है। दादी जी बूढ़ी होती है, दादी जी के चश्मा लगा हुआ होता है और दादी जी सुबह शाम भगवान की पूजा करती है, आरती करती है, गीता जी का पाठ पढ़ती है और हमें बहुत प्यार करती है। हमारी पसंद की चीजें बनाती है, हमें जो भी चीज खानी होती है उन सबको दादी जी बनाकर खिलाती है। और दादी जी रात के समय हमें परियों की, वीर साहसी जो हमारे वीर थे, साहसी थे, उनके बारे में भी हमें कहानियां सुनाती है। जो दादी जी हैं उनकी जो हमारी जो दादी जी है उनकी क्या है, उनकी आवाज बड़ी ही मीठी होती है और वो हमें हमारे मम्मी पापा की, बड़ी बहन की, बड़े भाई की डांट से भी बचाती है। तो बच्चों इस तरीके से इसमें दादी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि दादी जी हमारी जो है, जो हमें बहुत प्यार करती है, हमारी इच्छाओं को पूरा करती है और हमें कहानियां सुनाती है, वो भजन भी गाती है, गीता का पाठ भी पढ़ती है और पूजा पाठ भी करती है। तो अब हम पढ़ते हैं दादी जी, पाठ छः दादी जी। मेरी दादी जी का नाम क्या है? रजनी देवी है। जो मेरी दादी जी है उनका नाम रजनी देवी है। उनकी अवस्था 62 वर्ष हो चुकी है। उनकी अवस्था कितनी हो चुकी है? 62 वर्ष की। जो मेरी दादी जी है उनकी अवस्था 62 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ है। जो मेरी दादी जी है लेकिन फिर भी वह पूरी तरीके से क्या है बच्चों? स्वस्थ है। दादी जी बहुत सुबह जल्दी उठती है। जो मेरी दादी जी है वो सुबह जल्दी उठती है, वे बगीचे में घूमती है, उसमें सुस्ती है और सुस्ती नहीं है। सुस्ती मतलब कि जब मेरी दादी जी सुबह उठती है तो उनमें चुस्ती भी है और फुर्ती भी है। जो मेरी दादी जी हैं उनमें चुस्ती और फुर्ती दोनों ही हैं। सुबह जल्दी उठती हैं वो और उन्हें बगीचे में भी घूमती रहती हैं। दादी जी के जो दांत हैं कुछ घिस गए हैं। जो दादी जी के जो हमारे जो दादी जी हैं उनके जो दांत हैं वो क्या हो गए हैं? घिस गए हैं। पर दादी जी को खाने पीने में परेशानी नहीं होती है, मतलब जितना मतलब कमजोर। जो दादी जी के दांत थे वो थोड़े कमजोर हो गए हैं और वे उनको जब भी वो कोई कड़क चीज खाती है तो उनको परेशानी नहीं होती, जैसे मूली, गाजर, बादाम जैसी। क्या कड़क चीजें हैं? मूली, गाजर, बादाम जैसी कड़ी चीजें, जैसी कड़ी चीजें भी खा लेती है। और वे कभी कभी गन्ना भी चूस लेती है। गन्ना कितना सख्त होता है बच्चों, तो उनको भी दादी जी अपने दांतों से काट कर चूस लेती हैं। दादी जी की आंखें कमजोर हो गई है। जब दादी जी बूढ़े होने लगे तो उनकी आंखें भी क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। इसलिए वे ऐनक लगाती है। ऐनक ये देखिए दादी जी हैं और इनकी जो आंखें कमजोर हो गई है और इन्होंने चश्मा लगा रखा है। ऐनक का मतलब चश्मा लगाकर सरलता से पढ़ लेती है। सरलता मतलब आसानी, वे आसानी से पढ़ लेती है। दादी जी के कान बहुत तेज है। जो हमारी दादी जी हैं उनके कान इतने तेज है कि अगर हम जरा सा धीरे से भी बोलते हैं तो वो फटाफट सुन लेती है, थोड़ी सी आहट को भी सुन लेती है। उनकी कमर कुछ झुकी हुई, जब दादी जी जैसे जैसे बुढ़ी हो रही तो उनकी कमर हल्की सी झुकने लग गई है। आपकी दादी जी की कमर झुकने लगी है? नहीं। अच्छा, इसलिए वे छड़ी का सहारा लेकर चलती है। इसलिए दादी जी क्या करती है? छड़ी का सहारा लेकर चलती है। इतनी आयु में भी उनमें बहुत क्या है? तेजी है। मतलब कि इतनी उम्र होने, आयु मतलब उम्र, इतनी उम्र होने पर भी दादी जी क्या है? बहुत तेज है, तेजी तेजी से काम करती है। जब जब दादी जी हंसती है तो बहुत क्या लगती है? अच्छी लगती है। जो मेरी दादी जी है जब वो क्या करती है? हंसती है तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी दादी जी बहुत क्या है? धार्मिक है। मेरी दादी जी क्या है? बहुत धार्मिक है। वे सुबह शाम ईश्वर की आरती करती है। दादी जी क्या करती है? सुबह शाम ईश्वर की
आरती मतलब ईश्वर की पूजा करती है। वे गीता का पाठ भी करती है। वो क्या करती है? गीता का पाठ भी करती है। दादी जी को कई भजन भी याद है। जो दादी जी है वो बहुत सारे भजन भी उनको याद है। उनकी आवाज सुरीली है। सुरीली मतलब मीठी, तेजी, जो आवाज उनकी पतली है। जब वे आरती करती है या भजन गाती है तो सभी झूमने लगते हैं। मतलब उनकी आवाज इतनी सुरीली है कि जब वो आरती करती है या भजन गाती है तो मन उनके भजनों को सुनने के लिए आकुलित हो जाता है, झूमने लगता है। घर के सभी लोग दादी जी का आदर करते हैं। हमारे संबंधी भी दादी जी का आदर करते हैं। जो हमारे संबंधी, संबंधी मतलब रिश्तेदार, जो हमारे रिश्तेदार हैं वे भी दादी जी का आदर करते हैं। पड़ोसी भी उनको दादी माँ कहते हैं। जो पड़ोस के लोग हैं उनको क्या कहते हैं? प्यार से दादी माँ। आते जाते लोग उनसे दादी माँ राम राम कहते हैं। जब जब वो बाहर बैठती है तो जो भी लोग आते हैं या जाते हैं तो कहते हैं दादी माँ राम राम। दादी जी को सभी का आशीष है। सुखी रहो, लंबी आयु हो। दादी जी सबको आशीर्वाद कह देती है कि सुखी रहो और तुम्हारी जो आयु है, उम्र है, वो लंबी हो। दादी जी हमें रोज नहीं, दादी जी क्या करती है? देखिए दादी जी हैं और इनके चश्मा लगा हुआ है और ये कैसी सुस्ती और फुर्तीली वाली है। वे सासी वीरो की कहानियां सुनाती है। जो दादी जी है वो हमें सासी वीरो की कहानियां सुनाती है। दादी जी को कई कहानियां याद है। दादी जी कहती है बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है। देखिए बच्चों, जैसे जो रावण था उसने बुराई को अपनाया था, उसने जो थे बुराई अपनाई थी, मतलब कि उन्होंने सीता को हरण करके ले आए थे और उनको वापस नहीं दे रहे थे, तो वो उनकी बुराई थी। और जो राम, जो श्री राम थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जो थी जीत की, मतलब कि उन्होंने उन पर लंका पर चढ़ाई की और रावण को वध किया और सीता को वापस अयोध्या लेकर आ गई। इसका तो क्या हुआ? बुराई पर सदा क्या होती है बच्चों? अच्छाई की जीत होती है। उनकी सुनाई कई कहानियां हमें याद है। दादी जी हमें आजादी की लड़ाई की कहानियां भी सुनाती थी। दादी जी हमें क्या सुनाती थी? आजादी की लड़ाइयों की कहानियां भी सुनाती थी। आजादी की लड़ाइयों की भी कहानियां सुनाती थी दादी, सुनाती थी। तो बच्चों, दादी जी हम सभी को बहुत प्यार करती है। हम भी दादी जी को बहुत चाहते हैं। जो दादी जी है, आप भी अपनी दादी जी को बहुत प्यार करते हो। मैं भी मेरी दादी जी को बहुत प्यार करती हूँ। दादी जी हम सबको बहुत प्यार करती है और हम भी दादी जी को बहुत चाहते हैं। वे तो सभी की दादी जी, जो मेरी दादी है वो सभी की दादी है, वो सभी उसको दादी जी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारा ये पाठ है ये दादी जी के ऊपर पूरा होता है। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों, शब्दार्थ है अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है? उम्र। अवस्था उम्र, सुस्ती पूर्ति, सुस्ती पूर्ति, सरलता आसानी। सरलता का मतलब क्या होता है? आसानी। स्वस्थ तंदुरुस्त, स्वस्थ का मतलब क्या होता है? तंदुरुस्त। सुस्ती आलम, सुस्त आलस होना था बच्चों यहाँ पे, सुस्ती आलस, आलस। आहट चलने की धीमी आवाज, आहट का मतलब क्या होता है? चलने की धीमी आवाज। आदर सम्मान या इज्जत, आदर सम्मान या इज्जत। संबंधी रिश्तेदार, संबंधी रिश्तेदार। रोज प्रतिदिन, रोज का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। सासी बहादुर, सासी का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे शब्द पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो बच्चों, पहला है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी जी की नंबर एक है, दादी जी बच्चों को कैसे कहानियां सुनाती है? तो हमें बताना है कि जो दादी जी है वो बच्चों को किस तरीके से कहानियां सुनाती है। तो उत्तर नंबर एक, उत्तर नंबर एक, दादी जी बच्चों को किस तरीके की कहानियां सुनाती है? दादी जी बच्चों को
दादी जी बच्चों को, दादी जी बच्चों को परियों की, परियों की, साहसी वीरों की, साहसी वीरों की और परियों की, साहसी वीरों की, साहसी वीरों की और आजादी, आजादी में लड़ने वाले वीरों की भी कहानियां सुनाती थी। दादी हमें किसकी किसकी कहानियां सुनाती थी? साहसियों की, वीरों की और आजादी में, आजादी में और उनकी सुनाई गई कहानियां, साहसियों की और वीरों की। दादी जी बच्चों को परियों की, साहसी वीरों की, साहसी वीरों की कहानियां सुनाती थी। साहसी वीरों की कहानियां, कहानियां, साहसी वीरों की कहानियां, साहसी वीरों की कहानियां सुनाती थी। कहानियां सुनाती है। अब आगे है, दादाजी सुबह शाम क्या, जो दादी जी है उत्तर नंबर दो, कि दादी जी सुबह शाम क्या करती है बच्चों? दादी जी सुबह शाम भजन करती है। लिखेंगे दादी जी सुबह शाम, दादी जी सुबह शाम क्या करती है? दादी जी सुबह शाम ईश्वर की आरती, ईश्वर की आरती करती है, ईश्वर की आरती करती है। दादी जी का नाम क्या है? तो उत्तर नंबर तीन, दादी जी का नाम क्या था बच्चों? रजनी देवी। दादी जी का नाम, दादी जी, दादी जी बच्चों को परियों की, साहसी वीरों की कहानियां सुनाती है। और दादी जी का नाम क्या था? दादी जी का नाम रजनी देवी था। क्या था बच्चों? रजनी देवी है। दादी जी का नाम क्या है? रजनी देवी है। दादी जी का नाम रजनी देवी है। दादी जी का नाम रजनी देवी है। अब आगे है, दादी जी क्या क्या खा लेती है? तो उत्तर नंबर चार, दादी जी क्या क्या खा लेती थी? दादी जी मूली, गाजर, बादाम जैसी कड़ी चीजें, जैसी कड़ी चीजें खा लेती है, कड़ी चीजें खा लेती है और खा लेती है, कड़ी चीजें खा लेती है और कभी कभी, और कभी कभी गन्ना भी खा लेती है, कभी गन्ना भी चूस लेती है, चूस लेती है। अब हम आगे चलते हैं रिक्तिस्थान की तरफ। अब हम चलते हैं रिक्तिस्थान की तरफ। रिक्तिस्थान को भरिए। दादी जी की आवाज देर से, तो बच्चों कैसी है? सुरीली। दादी जी की आवाज सुरीली है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सुरीली, सुरीली। दादी जी की आवाज सुरीली है। नंबर दो, बुराई पर सदा देश की जीत होती है, अच्छाई की, बुराई पर सदा अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। आगे है नंबर तीन, दादी जी सुबह देर उठती है, सुबह जल्दी उठती है, दादी जी सुबह जल्दी उठती है। आगे नेक्स्ट है, दादी जी देश का सहारा लेकर चलती है, तो छड़ी। दादी जी किसका सहारा लेकर चलती है? छड़ी, छड़ी। अब हम आगे चलते हैं, सही मिलान कीजिए और वाक्य बनाइए। तो बच्चों सही मिलान है दादी जी के, क्या है?
दादी जी के कान बहुत तेज हैं। नंबर 1, दादी जी के कान बहुत तेज हैं। कमर कुछ, कमर क्या है, कमर झुकी हुई है। नंबर 2, पड़ोसी भी उनको क्या कहते हैं, दादी माँ कहते हैं। पड़ोसी भी उनको दादी माँ कहते हैं। उनमें चुस्ती है, सुस्ती नहीं। उनमें क्या है, सुस्ती है पर सुस्ती नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने वाक्य बनाओ कर लिए हैं। व्याकरण देखिए, व्याकरण और भाषा बोध। तो देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखिए और उदाहरण दीजिए। देखिए देखिए, वह कथन पिलक किए, कथनी है। तो ये जो ई है, इस पर बड़ी की जो ई है, ये ई क्या बन गई, बड़ी ई की मात्रा बन गई। ये देखिए, ये बन गई बड़ी की मात्रा। देखिए, रमन रमणीय, रमन रमणीय। देश देशी, देशीय, देश देशी, य। ठीक है बच्चों, अब देखिए, भारत भारतीय, भारत का क्या होगा, भारतीय। राष्ट्र राष्ट्रीय, और दर्शन दर्शनीय, दर्शन दर्शनीय। देखिए, सब में मैंने क्या लगा दी, बड़ी किसकी मात्रा बन गई, छोटी की मात्रा बन गई। बड़ी की मात्रा वाले शब्द बनाइए। तो देखिए, बड़ी की मात्रा के शब्द कौन से, ये बड़ी की मात्रा है। छड़ी, ये भी बड़ी की मात्रा है। कहलाती, ये भी बड़ी की मात्रा है। अभी देखिए, ये बड़ी की मात्रा है। गुड़िया, इनमें नहीं है बड़ी की मात्रा। परी में भी बड़ी की मात्रा है, मुली में भी बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये कराया। आप देखिए, ये है लिंग बदलो, दादी जी दादा, नानी जी नाना, चाची जी चाचा जी, मामा जी मामी जी, मौसा जी मौसी जी, बुआ और फूफा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है दादी जी का पूरा होता है। आप इनको याद कीजिएगा और साथ में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।